हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ऑर्गेनिक लिक्विड की बात करूंगी जिससे आपके प्लांट्स जलेगा भी नहीं और भी हरा भरा रहेगा। फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ गया कि 40 से भी ऊपर चले गया, जिसके वजह से हमारा जो प्लांट्स है वो ख़राब होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए जो हमारे प्लांट्स के लिए अच्छा भी हो और ठंडा भी हो। तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ मैं, ये सभी तरह के प्लांट्स के लिए है। ये जो है मैं जेड प्लांट में डाल रही हूँ। आप फ्लावर के, फ्रूट्स के, सभी तरह के प्लांट्स में ये लिक्विड डाल सकते हैं। इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, सभी तरह के प्लांट्स में डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसमें 100 ग्राम गोबर की पुराने खाद दे रही हूँ। आप चाहे तो उपले या कंडे भी ले सकते हैं, लेकिन एक साल पुराना होना चाहिए या 6 महीना पुराना। जितना पुराना रहेगा उतना ही आपके प्लांट्स के लिए अच्छा होता है। और इसमें मैं 1 लीटर पानी ऐड करूंगी। और 1 चम्मच चाय पत्ती। चाय पत्ती के अंदर पोटाशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, जिसे हम NPK बोलते हैं। और इससे जो हमारा मिट्टी भी भुरभुरा रहते हैं। और इसे मैं 48 घंटे के लिए ऐसे ढक के रख दूंगी। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को आप छांव में ही रखें, धूप में ना रखें। फ्रेंड्स, 48 घंटे की बात की अपडेट है। देखिए इसका जो पानी है कितना ज़्यादा सूख गया। 1 लीटर पानी दी थी और 0.5 लीटर पानी हो गया इसका। फ्रेंड्स, इसमें मैं और 2 लीटर पानी ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, मेरा जो ये कंटेनर है ये 250 ml का है। ये मैं सभी प्लांट्स में डाल दूंगी, लेकिन आप इस लिक्विड फर्टिलाइजर को सुबह या शाम को ही दें, दोपहर के वक्त में बिल्कुल भी ना दें। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को मैं मेरे सभी प्लांट्स में 15 डेज में एक बार दे देती हूँ, जिसके वजह से मेरा जो प्लांट्स है ये ग्रीन भी रहते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ करके मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।